हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ आप लोगों का एक बार फिर से सनोवर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो औरंगजेब की डाल दी है, मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने देख ली होगी। यदि नहीं देखी हो तो देख लेना। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो औरंगजेब इनका शासनकाल जो चलता है तो वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक लगभग 50 साल तक है। ठीक है, इनके पिता का नाम शाहजहां है। हालांकि उससे पहले अपने वीडियो को जो बनाई है उसमें सब चीजें बता दिया है, फिर भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं। देखो औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र है, और शाहजहां के चार पुत्र थे, चारों पुत्रों में और शाहजहां के शासन काल में ही उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और जिस चारों युद्ध में जो इनके तीन भाई थे, मुराद, इंदाल और दूसरा जो है इनका भाई आता है, क्या नाम है उसका, दारा सिखो, तो दारा सिखो को ये पराजित करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इनका दो बार राज्य अभिषेक होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है ना। दोनों बार जब ये शासक बन जाते हैं तो बहुत सारे कानून बनाते हैं। इन्होंने एक कानून कौन सा बनाया था, सती प्रथा का कानून बनाया। सती प्रथा के भाई, सती प्रथा का मतलब है पहले ऐसा होता था युद्ध बहुत होते थे, क्योंकि जिस जो राजा जो शक्तिशाली होता था दूसरे राज्य पर अधिकार करने की चेष्टा रखता था, ठीक है नहीं, तो उस टाइम कोई ऐसी बॉर्डर वॉल नहीं थी कि भाई हाँ ये फोर्स लगी हुई है, सेना लगी हुई है। सेना ज्यादातर जो है अधिकतर वो किराए पर ली जाती थी। हालांकि इनके शासनकाल में ऐसा नहीं था, क्योंकि उससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन आता है, हम देखेंगे खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 तक गद्दी पर बैठता तो वो स्थायी सेना की स्थापना कर देता, ठीक है ना। वो घोड़ों की दागने की प्रथा चालू कर देता वो, तो तब से लेकर अब तक स्थाई सेना हो गई। उसके बाद जितने भी शासक आए सबने स्थाई सेना रखने शुरू कर दी थी। तो जब पहले जिसके पास कमजोर सेना होती थी तो दूसरे, जिसकी मजबूत सेना होती थी दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता था, तो वैसे ही इनके शासनकाल में था। तो अब ये जो कानून बनाते हैं, एक सती प्रथा का कानून बनाते हैं, ठीक है नहीं। जब सती प्रथा का कानून बनाते थे इसका होता है विरोध, क्योंकि जब युद्ध होते थे युद्धों में बहुत लोग मारे जाते थे, तो उनके साथ महिलाओं को भी जबरदस्ती, या वैसे भी अगर कोई पति मर जाता था किसी भी कारण, रोग से या कैसे भी, तो उसके साथ उसकी महिला को जीवित जलाया जाता था। अगर वो नहीं जलती थी तो रिश्तेदार घर वाले उसे जबरदस्ती जलाते थे, नशा दे कर देते। अगर फिर भी कोई स्त्री बच जाती थी तो गांव में कोई अगर आपदा आ गई, कोई घटना हो गई, तो उसी महिला पर आरोप लगा दिया जाता था, ठीक है ना। तो इससे पहले भी बहुत लोगों ने इस पर कानून बनाने की कोशिश की थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कोशिश की थी अपने क्षेत्र में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद जब हम देखते हैं अकबर का शासनकाल आता है, तो अकबर भी कानून नहीं बनाता, रोकने का प्रयास करता, और दिल्ली के आसपास उसने रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जब इनका शासनकाल आता ये सख्ती के साथ कानून बना देता, क्योंकि इनका रूप मारा जाता कट्टरपंथी रूप से। ये जो है अब सती प्रथा, देखो किसी भी धर्म में कोई भी काम ऐसा हो जो सामाजिक रूप से चलता आ रहा है और वो धर्म में जुड़ गया, हालांकि धर्म में के हिसाब से वो सही नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर कोई भी गवर्नमेंट, बट जैसा आज के टाइम की गवर्नमेंट है या उस और उससे पहले गवर्नमेंट है, उस पर अगर वो कानून बनाएगी तो धार्मिक रूप से लोग उसके विरोध में आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें हुआ था कि भाई औरंगजेब हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब शक्ति के साथ रहा और इस पर कानून बना दिया। अब जब कानून बन गया तो लोगों ने आवाज उठाना शुरू करी, भाई जिसके परिवार की महिला कोई पुरुष मर गया तो अब उस महिला को जब जलाने की बात आती थी, सती की बात आती थी, तो उसके बच्चे जो पुत्र थे या भाई या बहन, उन्होंने विरोध की आवाज उठाने शुरू कर दी। बोले भाई हम अपने भाई बहन को नहीं जलने, क्योंकि अपने प्रिय सबको प्रिय होता है। तो लोग, लेकिन दूसरे लोग कोशिश करते थे, हल्की हल्की प्रथा कहीं कहीं चलती रही। अगर महिला खुद कोशिश खुद कह देती कि मैं भी सती हूँगी, और वहां तक सूचना नहीं पहुंच रही थी जो भी जैसी भी उस टाइम की पुलिस व्यवस्था होगी, तब वो महिला सती हो जाती थी। अगर सूचना मिल जाती थी तो एकदम उसे कानूनी रूप से बचाया जाता था, ठीक है। तो इसका बहुत विरोध हुआ था। हालांकि आज के टाइम में देखा तो हमें लगता है कैसे किसी महिला को जलाते थे, लेकिन उस टाइम धार्मिक मामला था, ठीक। अगली बात देखा तो ये कहलाता है औरंगजेब शाही दरवेश जिंदा पीर, मुगल वंश का आदर्श शासक,
कौन कहलाता है? औरंगजेब। क्योंकि इसने कहलाता है, इसका जीवन जो था, उनका जीवन जो था औरंगजेब का, बहुत साधारण था। ये कोई अपना दिखावा नहीं करते थे, बस साधारण रहते थे। साथ ही साथ जितना भी टैक्स आता था, कर आता था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बिना टैक्स करके नहीं चल सकती, आज का टाइम हो या पहले हो, ठीक है? नहीं, क्योंकि जनता के लिए वो टैक्स लिया जाता है। हालांकि वो अलग बात है कैसा शासक है, कहां वो यूज कर रहा है। तो इनके शासनकाल में जब टैक्स आता था तो औरंगजेब कहते थे कि जितना भी टैक्स ये कर आ रहा है ये मेरा नहीं है, ये जनता का कर है, जनता का पैसा, जनता का खजाना, और ये जनता पर ही खर्च होगा, मैं अपने ऊपर इसे खर्च नहीं करूंगा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? जिंदा पेश आदर शासक शाही दरबार। साथ ही साथ ये बहुत बड़े न्यायकर्ता भी थे। इनके सामने कोई न्याय के लिए आता था तो बिना धर्म लिंग जाति के जाने हुए इंसाफ करते थे कि जो भी जिसने भी गलत काम किया है उसे सजा मिलती थी। एग्जाम्पल, दारा सिखों से जब युद्ध होता है तो दारा सिखों का साथ जसवंत देते हैं तो जसवंत को ये माफ कर देते हैं, जबकि दारा सिखों को क्या कर देते हैं? मृत्यु दंड देते हैं। दारा सिखों को मृत्यु दंड क्यों देते हैं? इसे मृत्यु दंड, हालांकि उनका भाई था, क्योंकि राजद्रोह की बात आ गई, इन्होंने राजद्रोह कर रहा तो इन्हें मृत्यु दंड मिल गई उत्तराधिकारी के लिए, अन्यथा ये बन जाते वो मारे जाते। जबकि जसवंत जो थे वो इनके सेनापति थे, जसवंत। अब जसवंत ने सेनापति के रूप में भाग लिया, लेकिन वो इनके औरंगजेब के दुश्मन थोड़ी थे, वो तो दारा सिखों के साथ ही थे। तो जिससे दारा सिखों का युद्ध होता उसके साथ जसवंत जब इनके सेनापति थे वो युद्ध कर दे, तो ये जब पराजित हो गए तो जसवंत को माफ कर दिया गया और जसवंत को क्या बना दिया गया? अपना सेनापति औरंगजेब ने। साथ ही साथ औरंगजेब का जो सबसे खास मित्र थे, अगर मित्र की बात करेंगे तो औरंगजेब के मित्र जो थे सबसे खास, वो जय सिंह थे। साथ ही साथ ही जय सिंह जो मुख्य सेनापति थे, ये क्या थे भाई? औरंगजेब के मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेनापति। औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो हिंदुओं को नौकरी मिली है, तो वो किसके शासनकाल में मिली है हिंदुओं को नौकरी? सबसे उच्च पदों पर किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। कितने? लगभग 33-34%। यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देता है अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आता है कि सबसे ज्यादा कौन से मुगल शासक ने, बादशाह ने हिंदुओं को नौकरियां दी थी, तो ऑप्शन में आपका अकबर भी मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है अकबर जो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माने जाते हैं, इसलिए अकबर ज्यादा रखते हैं वो ऑप्शन में, तो अकबर पर लगा देते हैं अगर स्टूडेंटों का क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होगा। जबकि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा नियुक्ति दी है। अब इनकी छवि वैसी बनी भी है तो इसलिए लोग सोचते हैं, सोचेंगे जब पढ़ा हुआ नहीं होगा तो वो अकबर पर लगा देंगे, जबकि ऑप्शन गलत हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में लगभग 15-16% हिंदू नियुक्त थे, जबकि इनके शासनकाल में लगभग 33% उचित पदों पर हिंदू नियुक्त थे, ठीक है? नहीं, यहाँ से आपके 2-4 ऑप्शन बनते हैं, इसे देख लेना। एक तो इससे पहली वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि जो कुछ रह गया वो इसमें बता दिया, पहली वाली वीडियो में हमने सब कुछ डाल दिया। ये एक ऐसे शासक हुए हैं जो क्या, जो अपने गुजारा के क्या करते थे भाई? टोपी सीकर गुजारा करते थे, टोपी सीकर, और कुरान शरीफ की आयतें लिखकर बाजार में ये बिकवाते थे, उससे जो भी आमदनी होती थी उसी से ये अपने ऊपर खर्च करते थे, और साथ ये सोचते थे, ये इनके अंतिम जीवन में इतिहास किताब में है, जैसे इतिहास की बुक्स में लिखा हुआ है कि अंतिम अपने जीवन के अंतिम समय में ये बहुत रोते थे, और रोने के कारण ये था कि ये कहते थे कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का शासक हूँ, क्योंकि उस टाइम देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक इनका शासनकाल चल गया था, और संपूर्ण भारत में। तो अब मेरे शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति भूखा सोया होगा, भूखा रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में जाहिर सी बात है, और अगर उसने मेरे साम्राज्य में रह गया तो उसका जवाब खुदा के मुझे देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें वहाँ के सम्राट थे, शासक थे, तो तुम्हारे शासनकाल में भूखा क्यों रहा? अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, अन्याय कर दिया होगा किसी ने भी, और इन्हें मतलब इन्हें पता नहीं चला या पता चल गया होगा और उसके सजा इन्होंने दूसरे व्यक्ति को नहीं दी, तो इसलिए रोते थे कि खुदा के हो मैं क्या जवाब दूंगा अगर कोई व्यक्ति आएगा कि ये सम्राट थे और मेरे साथ अन्याय हुआ वहां पर, ठीक है? नहीं, तो इसलिए रोते। इतनी बराबर क्षेत्रफल पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक किसी भी शासक ने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन नहीं किया जितने बड़े साम्राज्य पर शासन औरंगजेब ने किया है। हालांकि हम देखेंगे प्राचीन काल में तो सबसे पहले जब
भारत का एकीकरण किया था और बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासन काल अगर हम देखेंगे 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक। लेकिन ये भी संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार नहीं कर पाए। हालांकि इनके बाद इनका पोता आता है, जबकि पुत्र जो आता है बिंदुसार तो वो साम्राज्य विस्तार में नहीं जाने जाते। जब इनका पुत्र आता है अर्थात पोता तो अशोक, तो वो साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। नहीं कलिंग वगैरह को वो अपने क्षेत्र में ले लेते हैं जो कलिंग का युद्ध होता है, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण दक्षिण भारत पर भी अधिकार नहीं कर पाए थे। हालांकि पश्चिमी भारत पर उनका अधिकार था जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र आते हैं, लेकिन जब ये औरंगजेब बनता तो ये संपूर्ण दक्षिण भारत पर ही अपना अधिकार कर लेता। तो औरंगजेब का जो शासन काल है हम देखेंगे साम्राज्य जो है इसका बहुत बड़े क्षेत्रफल पर था और इसने दो जगह अपना शासन बिताया था, मतलब 25 वर्ष तो बताए थे उत्तरी भारत में और 25 बिताए थे दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में इसलिए बिताए थे औरंगजेब का जो पुत्र आता है, पुत्र का नाम था अकबर, वो अकबर नहीं जो शासक था, वो अकबर बैठा था गद्दी पे 1556 से 1605 तक। ये अकबर जो ये औरंगजेब का पुत्र है तो ये औरंगजेब का विद्रोह कर देता है और जब ये विद्रोह करता है औरंगजेब का तो इसे इन्हें आशीर्वाद कौन देते हैं, इसे अकबर को इन्हें आशीर्वाद देते हैं तेग बहादुर, तेग बहादुर सिक्कों के नवे गुरु, ये आशीर्वाद देते हैं अकबर को और कहते हैं कि भाई ठीक है तुम विद्रोह करो, हम तुम्हारा साथ देंगे अपनी सेना भी देंगे। इस बात का पता लगता है औरंगजेब को, औरंगजेब इन्हें बंदी बनवा लेता है तेग बहादुर से और अकबर जो दक्षिण भारत में भाग जाता है। तेग बहादुर से कहते हैं कि भाई ठीक है तुमने विद्रोह करा हमारे साम्राज्य के विरोध में और देशद्रोही का तुम पे मुकदमा चलाएगा, इन पर देशद्रोही का मुकदमा चला, मुकदमा इन पर साबित अपराध इन पर साबित हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्होंने इनका साथ दिया था तो देशद्रोह में कुछ शामिल हो गए, तो इन्हें कहा दिया गया मृत्युदंड। मृत्युदंड पूछ लेता है एग्जाम में सिक्कों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था, नवे गुरु को दिया था, क्या नाम था, तेग बहादुर को। अब मृत्युदंड जब मिला तो फिर औरंगजेब इनके पास आए और इन्हें ऑफर दिया कि आपको जो मृत्युदंड मिला इसे हम खत्म भी कर सकते हैं यदि आप इस्लाम कबूल कर लो तो, अगर आप इस्लाम कबूल कर लोगे तो आपको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा अन्यथा आपको मृत्युदंड मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई भी सजा होगी तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं मृत्युदंड के बाद, राष्ट्रपति को अधिकार है वो उसे माफ कर सकता है या उसकी फांसी बदल सकता है, चेंज कर सकता है या उसे छोड़ सकता है या फांसी ही रहने दे सकता। वो जब सम्राट कौन था, सम्राट था उस टाइम औरंगजेब, जब मृत्युदंड मिल गया इसे जो पहले जो था जज को काजी बोला जाता था, काजी ने जब मृत्युदंड दे दिया तेग बहादुर को तो तेग बहादुर से अपील पहुंची कहां पर, औरंगजेब ने तेग बहादुर को ऑफर दिया ठीक है भाई आपको मृत्युदंड जो है ये एक शर्त पर माफ कर सकते हैं अगर आप इस्लाम कबूल करो तो। इन्होंने इस्लाम कबूल किया नहीं और इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब ये जो था अकबर ये कहां भाग गया था, ये दक्षिण भारत में भाग गया, तो इसका पीछा पीछा करते हुए अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब भी कहां गए, दक्षिण भारत में। हालांकि वो भारत से बाहर चला गया और बाहर जाकर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी अकबर की, लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत से वापस उत्तरी भारत में नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि उस टाइम क्या थे मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए थे और मराठे क्या थे, मराठों से युद्ध हो रहा था, मराठे जो थे छापा मारकर युद्ध लड़ रहे थे, पहाड़ियों पर से आते थे मुगलों की सेना पर पीछे से आक्रमण किया, मार काट करते थे, भाग जाते थे। शिवाजी उस टाइम प्रमुख नेता थे इनके, ठीक है। नहीं तो इसलिए दक्षिण भारत से औरंगजेब को उत्तरी भारत में आने का मौका नहीं मिला और वहीं पर ये रहना शुरू किया। वहीं पर इनका मकबरा 1707 में मृत्यु हो जाती है, औरंगाबाद में इनका मकबरा है बना हुआ। इनके बाद जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं मुगल वंश के वो सारे के सारे अयोग्य होते हैं और जिसका फायदा छोटे छोटे शासक उठाते हैं जो सूबेदार थे तो वो अपने आप को सूबे तंत्र कर लेते हैं, जैसे हैदराबाद का निजाम हुआ,
या बंगाल का नवाब हुआ, या आपके और अन्य लोग हुए, या आपके मराठे हुए, तो ये सारे के सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और भारत फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज उसका फायदा उठा लेते हैं और अंग्रेज बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध वगैरह लड़ते हैं 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते चले जाते हैं और फ्रांसीसी आते हैं वो अपना अधिकार कर लेते हैं, पुर्तगाली आते हैं वो अधिकार कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आती है बाद में वो अंग्रेज ही आते हैं और लगभग भारत के 60% हिस्से पर उनका अधिकार हो जाता है और लगभग 40% जो ये संपूर्ण दूसरे लोगों पर था, चाहे वो निजाम हुए या मराठे हुए या आपके नवाब हुए, इन पर था, या पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे। ठीक है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे। 1707 से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, हालांकि मुगल वंश 1857 तक चलता है लेकिन वो मुगल वंश नाम मात्र के लिए थे, इसलिए मुगल वंश जो माना जाता 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, थैंक्स।